तो प्रश्न नंबर 6 में क्या है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए, 3 सवाल हैं इसके अंतर्गत। पहला भाग शुरू करते हैं। तो पहले में लिखा है -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0, ठीक ना? तो ये 4 बिंदु दे रखे हैं, -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। अब तो पहले पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। कोई ये चतुर्भुज बना लिया, ए बी सी डी। तो ए में पहले यहाँ डाल लेते हैं -1, -2, फिर बी का डाल लेते हैं 1, 0, और सी पर -1 और 2, और ये -3 और 0 डाल लिए, ठीक ना? अब इनके विकर्ण भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए सी और बी डी विकर्ण हैं। तो सबसे पहले हम ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, फिर इसके विकर्णों को देखेंगे, ठीक ना? तो यहाँ शुरू करते हैं। तो देखिए, ए बी लिखते हैं। ए बी बराबर करनी में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक ना? तो इसमें देखेंगे, इसको x1 y1, इसको x2 y2 करेंगे। लिखते भी चलेंगे तो ठीक रहेगा, इससे गलत होने की संभावना नहीं रहती है। x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो देखिए क्या हो जाएगा, x1 क्या है, -1 और ये -1 प्लस y1 -2 और ये 0 है। तो इस प्रकार ये आया -1 -1 -2 का स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर आया। तो इसका हो जाएगा 4 + 4, ये 4 4 8 हो गया, ठीक ना? -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, 4 4 8, और 8 को लिख सकते हैं 2 करनी 2 लिख सकते हैं, ठीक ना? देखिए, करनी 8 को 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और इसमें ये जोड़ा बनेगा तो 2 का जोड़ा 1 बाहर निकल जाता है। इस प्रकार 2 करनी 2 प्राप्त हुआ। अब बी सी ज्ञात करते हैं। तो बी सी बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान रख लेंगे। तो देखिए, ये x2 और y2 है, यहाँ पर इसको x1 और y1 लिख लेते हैं। इस प्रकार अब देखिए, इसमें रख देंगे इसको देखकर, तो जगह x1 कितना है, 1, और ये -1, तो 1 माइनस, और x1 कितना, x1 माइनस x2 है, तो पहले ऐसे कर लेते हैं, x1 -1 - 1 प्लस 2 -0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -2 - -1 - -2 और 2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार 2 2 4, 2 2 4, ये हो गया 4 4 8। इस प्रकार ये 2 करनी 2 आया, ठीक ना? मतलब ए बी और बी सी के भी लंबाई बराबर आ रही है। आप इसमें देखेंगे, सी डी देखते हैं। देखिए, सी डी क्या हो जाएगा, करनी में x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर बराबर। तो इसमें देखिए क्या है, सी डी, तो सी और डी, इसके लिए अब ये x2 कर लेते हैं, x2 और ये y2, ठीक ना? अगर ये आपको लिखने की न जरूरत पड़े तो आप ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिख देने से थोड़ा सा गलत नहीं होता है ये। अब x1 है तो x का जो भी मान है यहाँ पर रख देंगे सीधे। माइनस x2 कितना है, -3 है, ठीक ना? तो एक माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया प्लस। अब देखिए, y1 के मान पर 2 है, माइनस ये 0 है, तो 0 लिख देते हैं। तो ये हो गया 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, और ये 2 है। इस प्रकार 2 2 4 + 4, इस प्रकार ये 8 आया। तो इसको लिख सकते हैं 2 करनी 2, ठीक ना?
आप इसको नीचे ही लिखिएगा ठीक ना, और इसको इसके नीचे ही लिखिएगा ठीक ना। हमारे पास क्या जगह नहीं था, इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं। मैं क्लास 10 की बोर्ड की किताब कॉपी में आप इसके नीचे ही इसको उतारते चले जाइएगा ठीक ना, इस तरफ नहीं लिखिएगा। अब ये CD हो गया, अब DA निकालते हैं ठीक ना। बोर्ड की कॉपी में साफ साफ लिखना होता है, और दूर दूर रखिए देखिएगा ताकि हर चीज़ समझ में आए। तो ये DA निकाल लेते हैं, ये X2 Y2 है तो यहाँ X1 ये Y1 लिख लेते हैं, और फिर मान निकालेंगे। X1 - X2 का स्क्वायर प्लस Y1 - Y2 का स्क्वायर तो बराबर, अब देखिए क्या है इसमें, यहाँ X1 - 1 है ठीक ना, तो -1 - यहाँ भी माइनस होने के कारण ये प्लस हो गया, प्लस Y1 - 2 और ये 0 है, तो 0 लिख लिया। तो इस प्रकार हो गया, 3 में 1 गया 2 और ये -2 का स्क्वायर, इस प्रकार ये 2 दूनी 4 2 दूनी 4 तो ये हो गया 8। इसको आप लिख सकते हैं 2 करनी 2। देखिए सभी भुजाएं बराबर आ गई ठीक ना। तो अब इनके विकर्णों को देख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं विकर्ण, यहीं ज्ञात कर लेते हैं, दोनों साथ में हो जाएंगे ठीक ना। तो विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं, विकर्ण है AC, इसके लिए क्या सूत्र लगाएंगे, सेम वही दूरी सूत्र है, X1 - X2 का स्क्वायर प्लस Y1 - Y2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा X1 कितना है, देखिए अब इसके लिए AC ज्ञात कर रहे हैं, तो ये X1 Y1, तो ये X1, तो यहाँ पे 2 2, इसको चाहे 2 2 करें चाहे उसको 2 करें, तो यहाँ 2 2 लिख लेते हैं AC को ठीक ना। तो ये हो गया X1 - X2, तो लिखेंगे -1 - फिर मिल गया तो ये प्लस हो गया प्लस। अब ये लिखेंगे 2 - 2 2 - फिर -2 है ठीक ना, तो ये +2 हो जाएगा का स्क्वायर। तो ये तो पहला 1 में 1 गया 0 हो गया, और ये 2 दूनी 4, इस प्रकार ये 4 चौक 16, तो इसका ये 4 प्राप्त हुआ ठीक ना। और फिर दूसरा विकर्ण ज्ञात करते हैं BD, तो देखिए BD क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला लिख लेते हैं, X1 - X2 का स्क्वायर प्लस Y1 - Y2 का स्क्वायर। तो BD, अब इसमें देखिए कुछ नाम लिख लेते हैं, अगर नहीं भी लिखना देखिए 1 में से -3 यहाँ लिख लेते हैं, X1 Y1 ये हो गया, X2 ये Y2 ठीक ना। तो X1 ये 1 ले लेते हैं, 1 माइनस X2 कितना है, फिर माइनस है तो ये +3 हो गया प्लस। अब Y1 कितना है, 0 माइनस 0, मतलब 0 ही है, 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 और 1 4 का स्क्वायर, और ये 0 तो 0 हट ही गया, ये हटा ही देते हैं इसको, ये हो गया 16, इसका मतलब ये 4 आ गया। तो देखिए चारों भुजाएं बराबर हैं आपस में, और विकर्ण भी आपस में बराबर हैं। तो ऐसे चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं बराबर हों और विकर्ण आपस में बराबर हों, तो इनको ऐसे चतुर्भुज को वर्ग बोलते हैं। तो यही लिख देते हैं, हम लिखेंगे चूंकि चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA एवं AC बराबर BD, मतलब चतुर्भुज ABCD की सभी भुजाएं या चारों भुजाएं, चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं एवं इनके विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, अतः दिए गए बिंदुओं से प्राप्त चतुर्भुज एक वर्ग है,
ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 का पहला हो गया। अब 6 का दूसरा भाग देखते हैं। और दूसरे भाग में लिखा हुआ है -3 5 3 1 0 3 -1 -4, ठीक ना। तो इसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं कोई भी। ए बी सी डी, यहाँ लिखते हैं -3 5 है ना, इसको लिख लेते हैं। फिर इसको लिख लेते हैं 3 1, इसको लिखते हैं 0 3, और इसके लिखते हैं -1 -4, ठीक ना। तो इनकी पहले ए बी सही भुजाओं की दूरी देखते हैं, लंबाई देखते हैं कितनी है। तो इसमें लिखते हैं ए बी बराबर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो मान रख लेते हैं, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x1 है -3 - 3 प्लस 5 - 1 का स्क्वायर, इस प्रकार 3 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 5 में 1 गया तो 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 6 6 36, 4 4 16, तो 6 6 12 हासिल 1, 3 4 1 5, तो 52 आ गया, ठीक ना। तो देखिए अगर कुछ गुणनखंड होता है तो कर देते हैं। तो ये होगा, देखिए 52 कैसे लिखते हैं, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 13 1 13। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 13, तो इस प्रकार ये 2 जोड़ा बन गया तो ये बाहर आ गया। तो ये आ गया 2 × 13। अब बी सी ज्ञात करते हैं, बी सी, तो इसका भी सूत्र लगा लेते हैं, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो ये हो गया x1, ये बी सी कर लेके इसको अब x1 y1 लिख लेते हैं, x1 y1। तो अब इन दोनों में सूत्र निकाल लेते हैं। तो x1 कितना है, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 का स्क्वायर, ये 4, तो 9 4 13, ठीक ना, 9 4 13। देखिए दोनों की लंबाई अलग अलग आई है, ठीक है। देख लेते हैं सी डी भी, देखते हैं आप सी डी बराबर करनी में x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो इसमें मान रखते हैं, अब ये सी डी है तो सी डी, तो x1 y1 है तो यहाँ x2 ये y2 कर लेते हैं और मान रख देते हैं। तो x1 कितना है, 0 ही है, माइनस x2 कितना देखिए फिर माइनस है, तो ये +1 हो गया, प्लस 3 - 3 और माइनस फिर माइनस में है, तो ये 4 हो गया। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 3 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 49 7 7 49, तो ये हो गया 50। तो इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो देखिए 50 का कर लेते हैं। तो ये जाएगा, देखिए 50 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5, तो 5 × 10 = 20 हो गया, तो 5 × 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। तो इसका जोड़ा बनेगा तो बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार 5 × 2 आ गया। इसका भी देखिए इनसे अलग आया, इसकी लंबाई अलग है, एक डी ए देखते हैं। तो इसमें सूत्र लिख लेते हैं, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो डी ए के लिए ये x2 y2 है, तो इसको x1 y1 कर लेते हैं, x1 y1, इस प्रकार ये हो जाएगा -3 -
एक्स टू कितना, फिर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाई वन कितना है 5, और फिर माइनस तो फिर प्लस हो जाएगा ये, तो 5 प्लस 4 का स्क्वायर। इस प्रकार ये 3 में 1 गया, -2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो गया, ठीक ना। तो 2 दूनी 4, 9 नवा 81, तो 81 4 85 हो गया, ठीक ना। तो देखिए सब अलग अलग आया है, कोई भी बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर नहीं है बी सी बराबर नहीं है सी डी बराबर नहीं है डी ए, ठीक ना। तो चतुर्भुज ए बी सी डी की सभी भुजाएं अलग 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 माप की हैं, है ना, अलग अलग लंबाई की हैं, अतः दिए गए बिंदुओं से प्राप्त चतुर्भुज एक साधारण चतुर्भुज है, ठीक ना, साधारण चतुर्भुज है, ठीक ना। कोई विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, जैसे वर्ग हो, आयत हो, समांतर चतुर्भुज हो, इस प्रकार का ये चतुर्भुज नहीं है, ये सिंपल चतुर्भुज है, ठीक ना। तो ये प्रश्न नंबर 6 का दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग देखते हैं अब, देखिए 6वें का तीसरा भाग में है, लिखा है 4 5 4 5, 7 6 4 3 1 2, ठीक ना। तो इसे एक चतुर्भुज बना लेते हैं पहले, ये ABCD, ठीक ना। तो इसमें एक डाल देते हैं, देखिए हमने ये यहाँ से डाला है, आप कहीं से भी डालिए मगर क्रम से होना चाहिए। यदि आप ए यहाँ डालते हैं तो ABCD डालिए, अगर आप यहाँ ए डालते हैं तो ABCD, है ना, क्रम से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ए के बाद बी के बाद फिर डी ए फिर यहाँ सी, ठीक ना। जो भी होगा सब क्रम से होना चाहिए। तो ए 4 5 हो गया, बी 7 6 हो गया, ये हो गया 4 3, और ये 1 2। अब इनके भुजाओं की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो ए बी बराबर करनी में x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो मान रख लेते हैं इसको x1 y1 x2 y2, ठीक ना। तो इसके लिए x1 है 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 में से 4 - 7 है ना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या, तो माइनस में आएगा 3, प्लस 5 में 6 गया तो -1 का स्क्वायर, ठीक ना, छोटे से बड़ा घट रहा है तो माइनस में आएगा। ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 = 10 आ गया। तो ये हो गया ए बी। अब बी सी ज्ञात करते हैं, तो बी सी ज्ञात करेंगे तो x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो इसमें मान रखते हैं, तो इस बार ये इसको यहाँ नहीं यहाँ डाल लेते हैं, ये हो जाएगा x1 ये y1, तो हो जाएगा x1 कितना है 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 में से 7 गया तो -3 का स्क्वायर प्लस, और 3 में 6 गया तो -3 का स्क्वायर।
तो ये हो गया तीन त्रिकाई नौ, तीन त्रिकाई नौ, नौ नौ 18, तो इसको लिख सकते हैं तीन करनी दो, ठीक ना। 18 को लिख सकते हैं ना, 18 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3, तो तीन तीन का जोड़ा बनकर 3 1 बाहर आ गया, और 2 का जोड़ा रह गया तो वो 2 लिखा गया, ठीक ना। बी सी हो गया। अब सी डी ज्ञात करते हैं, तो सी डी लिखते हैं x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अब देखिए इसको हटा देते हैं, सी डी है, सी डी के लिए ये x1, ये तो ये हो जाएगा x2 और ये y2 हो जाएगा। x1 कितना है, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, है ना, 3 - 2 और 4 - 1, तो 4 में 1 गया 3 का स्क्वायर, और 3 में 2 गया 1 का स्क्वायर। इस प्रकार ये 3 त्रिकाई 9, 1 एकम 1, तो ये हो गया करणी 10 हो गया। अब डी ए ज्ञात करते हैं, तो डी ए बराबर करणी में x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा, अब डी ए है तो डी ए पे लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं x1, ये y1, तो x1 कितना है, 4 - 1, 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, 5 - 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर प्लस 5 में 2 गया 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, ये हो गया 9 9 18। इस प्रकार इस करणी 18 को 3 करणी 2 भी लिख सकते हैं, 3 करणी 2 लिख लिया, ठीक ना। आप इसको नीचे ही उतारते चले जाइएगा, ठीक ना। ये 4 भुजाओं की लंबाई हमने ज्ञात कर लिया, अब विकर्ण की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो ए सी कितना है, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो विकर्ण किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं, ए सी, तो x1 y1 है, इसको अब x2 y2 कर लेते हैं, तो ये हो गया 4 - 4, 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 में 4 गया 0 और 5 में 3 गया 2 का स्क्वायर, तो 0 का 0 हो गया करनी, मतलब 2 का स्क्वायर, ये 2 2 4 हो गया, तो ये हो गया 2 ज्ञात हो गया, ठीक ना। ए सी हो गया। अब इसके बाद बी डी ज्ञात कर लेते हैं, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो देखिए अब बी डी ज्ञात करना है, तो बी डी के लिए लिख लेते हैं, ये हो गया x1 ये y1 और ये x2 ये y2, ठीक ना। तो 7 - 1 करेंगे यहाँ पर, 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर, 6 - 2 का स्क्वायर, तो 7 में 1 गया 6 का स्क्वायर, 6 में 2 गया तो 4 का स्क्वायर, ये हो गया 36 + 16, 6 6 12, हासिल 1 3 4 1 5, देखिए 3 4 1 5, 6 6 12, ठीक ना। तो देखिए इसमें अगर निष्कर्ष निकालें, देखिए ए बी की लंबाई कितनी है, यहाँ लिख लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए ए बी बराबर करणी 10 है, ठीक ना। बी सी बराबर कितना है, 3 करणी 2, ठीक ना। और सी डी कितना है, ये करणी 10 है, और डी ए कितना है, 3 करणी 2। इसका मतलब देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा बराबर है इसके, है ना, मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। और विकर्ण देखिए, विकर्ण ए सी 2 आया है और ये करणी 52 आया है, ठीक ना, मतलब विकर्ण भी अलग अलग है। तो ये प्रॉपर्टी होता है, ये गुण, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर नहीं हो, उसको समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक ना। यदि इनके विकर्ण बराबर हो गए होते तो ये समांतर चतुर्भुज न होकर ये आयत हो गया होता, ठीक ना। तो इसको यहीं लिख लेते हैं, ठीक
ठीक ना, यहाँ लिख लेते हैं, जहाँ नहीं है तो हम यही लिख दे रहे हैं, लिखते हैं चूंकि ए बी बराबर सी डी एवं बी सी बराबर डी ए, ठीक ना, और विकर्ण बराबर नहीं है, लिखेंगे ए सी बराबर नहीं है बी डी के, है ना, तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं एवं इनके विकर्ण विकर्ण बराबर नहीं हैं, विकर्ण आपस में बराबर नहीं हैं, अतः यहाँ से लिखते हैं अतः दिए गए बिंदुओं से प्राप्त चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 का तीनों भाग हो गए, ठीक ना, अब प्रश्न नंबर 7 करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, लिखा है यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2-9 से सम दूरस्थ हो। तो देखिए सम दूरस्थ के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें लिखा है यक्ष अक्ष पर बिंदु, तो लिखिए हम जानते हैं कि, है ना, हम जानते हैं कि यक्ष अक्ष पर स्थित कोई बिंदु यक्ष शून्य के रूप का होता है, ठीक ना, अगर यक्ष अक्ष पर है तो यक्ष शून्य होगा और अगर वाई अक्ष पर है तो जीरो और वाई होगा, ठीक ना, ये जीरो वाई के रूप में होगा, तो यक्ष अक्ष पर होने के कारण यक्ष शून्य के रूप का है। अब देखिए इसमें बोल रहा है, देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। देखिए दो बिंदु दे रखा है, ये बिंदु ए है 2-5 और ये -2-9, ठीक ना, 2-5 -2-9 ये है ए, इसको मान लिया, इसको बी, और ये जो बिंदु है यहाँ से दूरी ज्ञात करनी है, इसको पी मान लेते हैं और यक्ष और शून्य लिख लेते हैं। बोलता है इन दो बिंदुओं की दूरी इससे, ये दोनों बराबर दूरी पर हैं, ठीक ना, तो ये दूरी निकाल कर इससे बराबर करके दिखाएंगे तो इसको हल कर लेंगे। देखिए लिखा है दोनों दूरी बराबर है, तो लिखेंगे ए पी बराबर बी पी, ठीक ना, दोनों दूरी बराबर है इसलिए इसको लिख लिया। अब देखिए अगर इसका हम दूरी ज्ञात करते हैं तो देखिए करणी में आता है, इसे दूरी सूत्र लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे वही सूत्र लगेगा तो लिखेंगे x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो इसके लिए इनका दोनों पक्षों में वर्क कर लें तो करणी हट जाएगा, ठीक ना, तो लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो देखिए करणी भर हट जाएगा इसका, ठीक ना, देखिए ऐसे होता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर लगा दिया बराबर, ये हो गया x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर लगा दिया तो इस पर से करणी हट जाता है, तो ये बचेगा x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर बराबर x1 - x2 का स्क्वायर
प्लस, चाहे तो इसको आप कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई भी लिख सकते हैं इसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए, ठीक ना। मगर अपने को बस मान रखना है, तो मान रख लेते हैं। अब देखिए इसके लिए हमने ये लिखा है, तो लिखेंगे यक्स, यक्स वन पर यक्स ही है और माइनस टू का स्क्वायर प्लस यहाँ पर शून्य और ये माइनस फिर माइनस, ठीक ना, शून्य माइनस, अब देखिए फिर माइनस है ये, तो ये प्लस फाइव हो जाएगा बराबर। अब इसके लिए यक्स वन वाई वन, ये यक्स टू वाई टू हो जाएगा, यक्स टू ये वाई टू, तो इसके लिए लिखेंगे यक्स वन यक्स ही है माइनस यक्स टू कितना है, देखिए माइनस टू है तो ये प्लस टू हो गया, प्लस जीरो माइनस नाइन, जीरो माइनस नाइन का स्क्वायर, तो देखिए ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो इस पर ये फॉर्मूला लग जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ठीक ना। अब देखिए इसमें हमने ये स्क्वायर लगाया, करनी लगाया, फिर यहाँ वर्क करने के बाद ये करनी हटा, ठीक ना। हम अगले क्वेश्चन में इसका हम यहीं पर वर्क कर देंगे, ठीक ना, ए पी बराबर बी पी, और फिर दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर, इससे हमको ये लाइन लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक ना, करनी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। तो अगले क्वेश्चन में किसी में उसको भी देख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, तो जगह एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो लिखेंगे यक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ टू है, माइनस टू एक्स और ये वाई, वाई बराबर टू है, प्लस ये फाइव का स्क्वायर हो गया बराबर, इसमें भी प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए प्लस वाला फॉर्मूला सब यही रहता है, बस ये प्लस हो जाता है, ठीक ना। तो एक्स प्लस लिखते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, देखिए प्लस हो गया बस फॉर्मूला, बाकी सब वही है। तो यहाँ लिखते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर, है ना, ये वाई का स्क्वायर प्लस टू एक्स ये वाई बराबर प्लस नाइन स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर दोनों तरफ था तो कट गया, ये टू स्क्वायर भी दोनों तरफ है तो ये कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसको लिख लेते हैं, दो दूनी चार माइनस फोर एक्स प्लस पच्चीस बराबर, ये हो गया फोर एक्स, ये हो गया नौ नवा इक्यासी, इसको अंतर पक्षांतर यक्स वाला एक तरफ, तो माइनस फोर यक्स माइनस फोर यक्स बराबर इक्यासी माइनस पच्चीस, है ना, उसको उधर पक्षांतर कर दिया तो चार चार आठ यक्स बराबर, इसको घटा लेते हैं तो पच्चीस घटेगा तो कितना आएगा, इक्यासी में पच्चीस घटा ही लेते हैं, छः पाँच ग्यारह दो तीन पाँच, पाँच छः सात आठ, ये आ गया छप्पन, तो यक्स का माना जाएगा माइनस छप्पन बटे आठ, आठ एकम आठ सते छप्पन, यक्स बराबर माइनस सात, तो यक्स का मान सात आया, अतः क्या बिंदु ज्ञात करना है इसमें, वह यक्स अक्ष पर बिंदु, तो लिखेंगे अतः अतः यक्स अक्ष पर अभीष्ट बिंदु, अभीष्ट बिंदु क्या हो गया, देखिए यक्स जीरो था तो यक्स का मान सात आया है, तो लिखेंगे माइनस सात शून्य, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर सात हो गया, प्रश्न नंबर आठ देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर आठ में है, वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, देखिए दो बिंदु दिया है के बीच की दूरी दस मात्रक दे रखा है, ठीक ना। तो देख लेते हैं इसमें, देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए दो बिंदु लिख लेते हैं यहाँ पर, P टू माइनस थ्री और Q कितना दिया है टेन वाई, ठीक ना, के बीच की दूरी देखिए कितना दिया हुआ है, ये है दस मात्रक दे रखा है, ठीक ना, इन दोनों के बीच की दूरी देखिए दस मात्रक दिया है, तो बोलता है इसमें Y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो लिखेंगे इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, देखिए पी क्यू बराबर 10 दिया है ना, पी क्यू की दूरी कितना दिया है 10, अब देखिए पी क्यू का मान रख लेते हैं यहाँ पर जो भी सूत्र होता है, तो लिखेंगे
एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर बराबर ये 10 हो गया। अब देखिए कर्णी हटाने के लिए अगर हम दोनों पक्षों में वर्ग कर दें तो कर्णी हट जाएगा, ठीक ना। तो लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो वर्ग कर लेते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई टू का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, है ना। दोनों पक्ष दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो वर्ग कर लिया दोनों तरफ, तो इस पर से कर्णी हट जाएगा, ठीक है, वर्ग और कर्णी हट जाता है। तो ये बचा एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग, ये 100 हो जाएगा, ठीक ना। अब मान रख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं एक्स वन, इसको वाई वन, इसको एक्स टू, इसको वाई टू, ठीक ना। अब देखिए इसमें एक्स वन कितना है, ये 2 है, 2 माइनस एक्स टू कितना है 10 का स्क्वायर प्लस वाई वन कितना है माइनस 3 और वाई टू कितना है y है, तो y लिख लिया का होल स्क्वायर बराबर 100। अब देखिए ये 2 में से 10 गया तो माइनस 8 स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अगर देखिए दोनों में माइनस लगा हो, ठीक ना, और स्क्वायर लगा हो तो इसको आप सिंपल 3 प्लस वाई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक ना। दोनों में माइनस है, दोनों माइनस हटा देते हैं, ठीक ना, तो सेम आंसर आता है, ठीक ना। जैसे अगर ये माइनस 3 है, माइनस 4 है, अगर इसका स्क्वायर किया हुआ है तो 4 3 7, माइनस 7 का स्क्वायर इस प्रकार 49 आ जाएगा, ठीक ना। माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, माइनस 7 का स्क्वायर 49 आ गया। इसी प्रकार 3 प्लस 4 का भी स्क्वायर करेंगे, देखिए दोनों तरफ से हटा दिया माइनस, ठीक ना, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस हटा दिया प्लस हो गया। अगर इनको हल करेंगे तो 4 3 7 7 का स्क्वायर देखिए 49, तो सेम आया। इसीलिए अगर दोनों पे माइनस लगा हो, स्क्वायर लगा हो, तो इनको दोनों माइनस हटा के प्लस प्लस भी कर सकते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं तो 8 9 64 हो गया प्लस इसमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक ना, बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब ये वाला, जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में लगाया था, तो इसमें लगाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 गुड़े x गुड़े ये y हो गया, ठीक ना। इस पर ये फॉर्मूला लगा दिया, ये हो गया 64 प्लस 3 त्रिकाई 9, ये y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y और ये 100 है, इसको भी अंदर कर लेते हैं तो माइनस 100 बराबर 0 हो गया, ठीक ना। उसको भी बाई तरफ पक्षांतर कर लिया तो माइनस में आ गया। अब इनको जोड़कर 100 में घटा देंगे तो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y और ये कितना जोड़ेंगे 64 और 9 जोड़ा है तो 73 आ गया। 73 अगर 100 में घटाएंगे तो 74 75 25 26 27 आ जाएगा, तो हो गया माइनस 27 बराबर 0 हो गया, ठीक ना। तो इसका ये वर्ग समीकरण बन गया, वर्ग समीकरण को हल करेंगे तो देखिए 27 का गुणनखंड करना है, ठीक ना, इस संख्या का गुणनखंड किया जाता है, तो ये हो गया 9 3 27। अगर 9 में 3 घटाएंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो लिख लेते हैं इसमें वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में गुणनखंड लेंगे उभयनिष्ठ और इसमें उभयनिष्ठ लेंगे, तो इन दोनों में देखिए y ही उभयनिष्ठ है, तो यहाँ बचा 1y और यहाँ बचा 9, फिर इन दोनों में देखिए 3 3 ही है, ठीक ना, 3 और ये लिखा है 3 9 27, तो इन दोनों में 3 3 उभयनिष्ठ है और माइनस माइनस भी है, तो माइनस 3 बाहर ले लिया, यहाँ बचा वाई और चूंकि बाहर माइनस ले लिया तो ये प्लस हो गया और यहाँ केवल 9 बचा बराबर 0। ये हो गया वाई प्लस 9, एक कोष्टक में लिख लिया दोनों को, और ये जो बाहर बार बचा उसको भी एक कोष्टक में लिख लिया, तो ये बराबर 0। तो देखिए वाई के मान ज्ञात हो जाएगा, यदि वाई प्लस 9 बराबर 0 या वाई माइनस 3 बराबर
शून्य, तो क्या जाएगा y बराबर माइनस नाइन और y बराबर तीन। देखिए दो मान प्राप्त हुआ है, ठीक ना, तो अतः y के दो मान माइनस नौ और तीन प्राप्त हो गया, ठीक ना, तो ये आंसर हो गया। तो प्रश्न नंबर आठ भी हो गया, प्रश्न नंबर नौ देखते हैं आप। देखिए तो प्रश्न नंबर नौ में लिखा है, तो बिंदु देखा Q और P और उनके निर्देशांक दिया P Q R के, यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5 माइनस 3 और R X 6 से सम दूरस्थ हो तो X के मान ज्ञात कीजिए तथा दूरियां Q R और P R भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको प्रश्न नंबर 9 हल करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, इसको हम फिगर बना देते हैं। देखिए एक बिंदु दिया है P, P में क्या निर्देशांक है 5 माइनस 3 और एक दिया है Q 5 माइनस 3 और R दिया है, यहाँ पर R दिया है X 6, ठीक ना, और इन दोनों बिंदुओं से Q सम दूरस्थ पर है। तो Q देखिए सम दूरस्थ पर होने के कारण ये लिख लेते हैं यहाँ पर शून्य और एक, तो x का मान ज्ञात करना है, तो एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, इन दोनों से ये सम दूरस्थ पर है, ये बिंदु ये Q और ये R, ये दोनों बिंदुओं से सम दूरस्थ पर है। इसको यहाँ लिख देते हैं P 5 माइनस 3, ये दूरियाँ दोनों दूरी बराबर है ना, P और R से Q बराबर दूरी पर है, ठीक ना। तो पहले इसमें x का मान ज्ञात कर लेंगे और फिर दूरियां ज्ञात करनी है, कौन कौन सी, क्यू आर ज्ञात करना है और पी आर, ये दोनों ज्ञात करना है, ठीक ना। तो इसको हल करते हैं, तो देखिए पहले दोनों सम दूरस्थ पर हैं तो इसको लिख सकते हैं, चूंकि पी क्यू बराबर आर क्यू है ना, दोनों दूरी बराबर हैं। अब देखिए चूंकि इसका दूरी ज्ञात करते समय कर्णिक भी आती है तो हम क्या करेंगे, इनका दोनों पक्षों में वर्क कर लेते हैं, तो अब इस पर कर्णी नहीं आएगी, है ना, जैसे भी पहले प्रश्नों में पहले कर्णी लिखते थे, कर्णी में दूरी सूत्र लिखते थे फिर उसका स्क्वायर करते थे तो कर्णी हटती थी, अब हमने इसका दोनों दूरी बराबर है इसका स्क्वायर कर लिया तो अब हमको कर्णी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। अब सीधे फॉर्मूला लिखेंगे और इस पर मान रख देंगे, तो पी क्यू कितना है, देखिए यहाँ लिखते हैं एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर बराबर, ये आर क्यू की दूरी लिखना है तो थोड़ा ये स्मॉल में लिखा है तो यहाँ हम कैपिटल में लिख देते हैं, एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, ठीक ना, ये दूरी के लिए अलग ये दूरी अलग हो गया। अब इसे मान रख देते हैं, तो देखिए इसके लिए एक्स वन, ये एक्स वन ये वाई वन, ये एक्स टू ये वाई टू, ठीक है, तो लिखते हैं एक्स वन कितना है शून्य है, शून्य माइनस एक्स टू कितना है फाइव का होल स्क्वायर प्लस वाई वन कितना है वन माइनस वाई टू, देखिए माइनस थ्री है तो इस प्रकार ये प्लस थ्री का स्क्वायर हो गया। फिर अब देखिए इसके लिए अब ये क्यू आर निकाल रहे हैं तो क्यू आर के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, है ना, कैपिटल में है तो ये हो गया शून्य माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस सिक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक ना, तो ये हो गया माइनस फाइव का ही स्क्वायर हो जाएगा प्लस तीन और एक चार का स्क्वायर बराबर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक में छः गया तो माइनस पाँच का स्क्वायर हो गया, ये पाँच ये देखिए कट ही गया हट गया दोनों तरफ है, ये हो गया चार चौक सोलह और ये एक्स स्क्वायर, इस प्रकार एक्स स्क्वायर बराबर सोलह, तो एक्स का ले सकते हैं वर्गमूल प्लस माइनस सोलह, तो एक्स का मान प्लस माइनस चार, मतलब एक्स का मान दो आया, एक प्लस में चार और एक माइनस में चार, ठीक ना। अब हमको दूरी ज्ञात करनी है क्यू आर, तो क्यू आर देखिए पहले क्यू आर लिख लेते हैं, क्यू आर भी निकालना है और पी आर भी निकालना है, ठीक ना, तो लिखते हैं यहाँ पर दूरी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए दो मान रखा है तो एक पहले लिख लेते हैं जब x बराबर चार, ठीक ना,
तो QR और PR ज्ञात करेंगे, तो QR ये रहा और PR ये रहा, तो लिखेंगे यहाँ पर पहले QR लिख लेते हैं, तो Q कितना है, Q का मान 0 और 1, ठीक ना, और R कितना है, R के मान पर देखिए x और 6 हैं, तो पहले हम x का मान 4 रखेंगे, तो 4 और 6 हो जाएगा। तो दूरी ज्ञात करते हैं, अब QR बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ मान रख देते हैं, x1 y1, x2 ये y2, तो ये क्या हो गया, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 4 चौक 16 प्लस 1 में 6 गया तो -5। इसको पहले -4 का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये हो गया 16 प्लस 5 5 25, तो ये 6 5 11 2 3 1 4 करनी 41 में आया, ठीक ना, 6 5 11 2 3 1 4 ये क्यू आर आ गया। अब क्या निकालना, पी आर निकाल लेते हैं, अब क्यू आर हो गया, अब पी आर निकालते हैं, पी आर, तो पी आर के लिए क्या हो जाएगा, देखिए ये रहा पी, ये रहा आर, पी का निर्देशांक कितना है 5 माइनस 3, और क्यू आर बराबर 4 और 6 है, ठीक ना। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, करनी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, मान रख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक ना, x1 माइनस x2 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर -3 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर और ये -9 का स्क्वायर, तो ये प्राप्त हुआ 1 प्लस 9 = 81, ठीक ना, तो ये हो गया 82, तो ये 82 हो गया, करनी 82 में आ गया। तो इस प्रकार जब x का मान 4 हो तो आपका QR और PR ये ज्ञात हो गया, ठीक ना। अब जब x का मान माइनस में 4 हो तब दोनों की दूरी ज्ञात करना है, लिखते हैं जब x बराबर -4, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या निकाला है, क्यू आर, तो q और ये r की दूरी, q का कितना है 0 और 1 और r की दूरी अब -4 और 6 हो जाएगी, ठीक ना, x का मान माइनस में लेंगे तो अब दूरी ज्ञात कर लेते हैं, क्यू आर बराबर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेते हैं x1 ये y1, x2 ये y2, तो x1 शून्य माइनस और ये माइनस, तो ये प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 चौक 16 5 5 25, तो ये हो गया 6 5 11 2 3 1 4, तो 41 में आया, ठीक ना। अब ये क्यू आर ज्ञात हो गया, अब पी आर भी देख लेते हैं कितना है, अब पी आर देखते हैं, पी ए आर, ठीक ना, तो आर का मान -4 और 6 है ये, और पी कितना है 5 माइनस 3 5 माइनस 3, ठीक ना, ये x1 y1, ये x1 ये y1, x2 ये y2, दूरी सूत्र लगा लेते हैं यहाँ पर, पी आर बराबर करनी में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, मान रखते देखिए x1 कितना है 5 माइनस
देखिए, पाँच माइनस, ये माइनस है तो प्लस फोर हो गया, स्क्वायर प्लस ये है माइनस तीन माइनस छः, ठीक ना, माइनस तीन माइनस छः का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये प्राप्त हुआ, पाँच चार नौ, नौ का स्क्वायर प्लस ये हो गया नौ का स्क्वायर, ठीक ना, पाँच चार नौ और छः तीन नौ, माइनस में नौ है, ठीक ना, माइनस नौ का स्क्वायर हो गया, तब भी इक्यासी आएगा ही, नौ नवा इक्यासी प्लस नौ नवा इक्यासी, तो ये हो गया एक एक दो आठ आठ सोलह, करनी में 162 प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो करनी 162 आया, ठीक ना, करनी 162 को अगर गुणनखंड करें तो गुणनखंड कर लेते हैं 162 का, दो अट्ठे सोलह, दो एकम दो, तीन सत्ताईस, तीन नौ, तीन 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 एक, ठीक ना। तो देखिए 162 का गुणनखंड हो जा रहा है, तो 162 को हम लिख सकते हैं, देखिए करनी 62, इसको हम लिख रहे हैं 162 को, दो गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन गुड़े तीन, इस जगह ये जोड़ा बाहर निकलेगा, ये जोड़ा बाहर निकलेगा, ये करनी दो, दो रह गया तो गया नौ करनी दो। तो प्रश्न नंबर नौ का देखिए आंसर आ गया प्लस माइनस फोर, है ना, यक्स का मान एक्स माइनस प्लस माइनस फोर, और पी आर क्यू आर कितना है, क्यू आर देखिए यहाँ भी 41 आया है, यहाँ भी 41 आया है, तो लिख सकते हैं करनी 41, और पी आर बराबर कितना आया, करनी 82 और नौ करनी दो, तो हो गया नौ करनी दो। इस प्रकार ये प्रश्न का हल हो गया। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, यक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं यक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और माइनस 3, 4 से समदूरस्थ हों, ठीक ना। तो इसको ज्ञात करते हैं, लिखते हैं माना बिंदु एक्स वाई बिंदुओं, क्या लिखा है, 3, 6 और माइनस 3, 4 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, ठीक ना। तो इस पर देखिए क्या बनता है, ये दो बिंदु हैं, इनको लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए एक बिंदु ले लेते हैं ए, ए एक बिंदु ये लिया ए और एक बिंदु बी लिया, ये बिंदु का निर्देशांक कितना है 3, 6, ठीक ना, और इसका माइनस 3 और ये 4, इनसे एक बिंदु ये देखिए दूरी पी मान लेते हैं इसको, ये हो गया यक्स ए वाई, ये दोनों दूरियां बराबर हैं। तो बोलता है यक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करते हैं, देखिए हम लिखते हैं ए पी बराबर, ए पी बराबर बी पी, ठीक ना, दोनों दूरी बराबर है, अब इनका वर्क कर लेते हैं, ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर, इससे करनी हमको नहीं लिखना पड़ेगा। अब इसमें लिख लेते हैं यक्स वन माइनस, दूरी सूत्र लिख लेते हैं, बस करनी नहीं लिखेंगे इसमें, लिखते हैं यक्स वन माइनस यक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर बराबर, अब इस दूरी के लिए लिख लेते हैं, कैपिटल में लिख लेते हैं इसको, यक्स वन माइनस यक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, ठीक ना। अब लिख लेते हैं इसमें यक्स वन कितना है, यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, यहाँ पर ये रहा यक्स वन, ये रहा वाई वन, ये है यक्स टू, ये है वाई टू, तो दूरी सूत्र लगाते हैं इसमें, तो ये रहा यक्स माइनस यक्स टू कितना है 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई वन वाई और माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर, अब इसके लिए बी पी के लिए जाएगा ये यक्स वन ये वाई वन ये यक्स टू ये वाई टू, ठीक ना। तो लगाते हैं इसमें भी एक्स वन कितना है यक्स माइनस, माइनस फिर वहाँ मिल गया तो ये प्लस 3 का स्क्वायर हो गया प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर,
अब देखिए ये a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, तो यहाँ दोनों हम सूत्र भी लिख दे रहे हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर, माइनस टू एक्स वाई, ठीक ना। और प्लस वाला सूत्र भी लिख लेते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। तो ये सूत्र लिख लिया हमने, ठीक ना। और इस पर रखते हैं, अब इस पर देखिए एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर ये हो गया, ये वाई स्क्वायर तो थ्री का स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू थ्री, प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस छः का स्क्वायर माइनस दो गुड़े वाई गुड़े छः, है ना, टू एक्स वाई। फिर इसको लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस दो गुड़े एक्स गुड़े तीन प्लस वाई का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर माइनस टू वाई एक्स वाई हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए जो कटेगा काट देंगे, ये एक्स स्क्वायर इस तरफ है, ये वाई स्क्वायर भी कट गया, ठीक ना। ये थ्री स्क्वायर का थ्री स्क्वायर कट गया, ये छः स्क्वायर का छः स्क्वायर नहीं कटा, लिख लेते हैं इसको, छः स्क्वायर नहीं कटा। अब देखिए क्या हो गया, तीन दूनी छः एक्स, ठीक ना, ये छः छः छत्तीस, छः का वर्ग छत्तीस, ये हो गया माइनस बारह वाई बराबर, ये हो गया तीन दूनी छः एक्स, ये हो गया चार चौक सोलह माइनस चार दूनी आठ वाई, ठीक ना। एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये देखिए ये माइनस छः एक्स और वो अंदर पक्षांतर होगा तो माइनस छः हो गया, माइनस बारह वाई और उसको भी पक्षांतर करेंगे तो प्लस एट वाई हो जाएगा, ठीक ना। और ये छत्तीस है तो छत्तीस लिख लेते हैं, और इस सोलह को पक्षांतर करेंगे तो माइनस सोलह हो जाएगा, बराबर शून्य हो गया। तो छः छः माइनस बारह एक्स और इनको हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस चार वाई, है ना। और ये छः में छः गया शून्य, तीन में एक गया दो। अब देखिए इसमें माइनस चार कॉमन है, ठीक ना, तो ये हो गया चार तियाई बारह, और ये चार वाई बचा, ठीक ना, माइनस चार तो बाहर चला गया, और ये चार पंचे बीस बराबर शून्य। देखिए माइनस बाहर लिया है तो सब चिन्ह बदल गया है, प्लस हो गया प्लस हो गया, ये प्लस का ये माइनस हो गया, ये चार तीन बारह चार बाहर चला गया, चार पंचे बीस। अभी माइनस चार इधर पक्षांतर करेंगे तो जीरो बट्टे कुछ भी होता है तो जीरो ही हो जाता है, इसलिए थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फाइव बराबर शून्य। तो ये एक्स और वाई में संबंध हो गया, ठीक ना।